the circuit arrangement to plot characteristic curves of diode in forward bias. Characteristic curve हमें draw करना है forward bias के लिए, तो कौन सा diagram suitable होगा? आइए एक एक करके बातचीत करते हैं. अगर हम लोग यहां से देखें तो basically ये plus और ये minus, तो basically diode तो forward bias में है, पर potential यहां पर हमारा उल्टा measure किया गया है, मतलब ये तो एकदम गलत हो गया है. अगर C को भी देखें तो ये प्लस और ये माइनस, मतलब डायोड तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में है, पर एमीटर की जो पोटेंशियल है वो एसी है, मतलब करंट इस तरीके से फ्लो हो रही होगी, मतलब ये भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है. अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बेसिकली डायोड यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में है और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, पर यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है किसके अक्रॉस, अक्रॉस डायोड. जबकि अगर हम डी ऑप्शन पे देखें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और डायोड यहां पर फॉरवर्ड बायस में है, और यहां पर ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये वोल्ट मीटर हमें बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डायोड ड्यू टू सप्लाई अक्रॉस द डायोड, मतलब बेसिकली यहां पर हमें इस सप्लाई के वेरिएशन की वजह से डायोड के अक्रॉस किस तरीके से पोटेंशियल में चेंज आ रहा है उसके उसके रिप्रेजेंटेशन को बेस्ट यहां पर रिप्रेजेंट करेगा. साथ ही साथ हमें यहां पर दूसरी एक और चीज समझ में आती है कि यहां पर जो एम्पियर है, यहां जो एमिटर लगा हुआ है वो मिली एम्पियर में करंट मेजर कर रहा है, और फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो मिली एम्पियर में हमारी मेजर होनी चाहिए, जबकि यहां पर वैसा रिप्रेजेंट नहीं किया गया. इस वजह से डी ऑप्शन यहां पर हमारा ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए.